नमस्कार विद्यार्थियों, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा वीडियो है। अब तक हम देख चुके थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण। देखो, इसका सबसे पॉपुलर उदाहरण है रेडियो एक्टिव डीके, जिसका हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी। देखो, ये उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है, जिसको डीके कांस्टेंट कहेंगे, लैम्डा के द्वारा दिखाया गया है, टाइम टी है, एन जीरो क्या है, एन जीरो इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। वहाँ पे ये किसके द्वारा दिखाया गया था, ए के द्वारा। और एन टी क्या है, यहाँ पे एन टी इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, तो वहाँ पे ये ए माइनस एक्स के द्वारा दिखाया गया था। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, एल एन एन जीरो अपॉन एन टी इक्वल्स टू लेमडा टी, एन टी बराबर एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, मतलब इसका एन टी लॉग ले लिया है। दूसरा उदाहरण है एस्टर हाइड्रोलाइसिस अंडर एसिडिक मीडियम। तो इसके लिए सूत्र है K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी जीरो बटे वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये क्या है, वी है ये, तो एस्टर हाइड्रोलाइसिस में जो NaOH हम यूज करते हैं उसका वॉल्यूम है। तो V इन्फिनिटी माइनस V जीरो का मतलब हमने टोटल कितना NaOH यूज किया, मतलब ये वास्तव में किसको दिखा रहा है, एस्टर की शुरू में कंसंट्रेशन कितनी थी, और V इन्फिनिटी माइनस V टी ये किसको दिखा रहा है, एट टाइम T पे एस्टर की कंसंट्रेशन कितनी थी। इसी प्रकार इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसमें हम उसको अल्फा को मतलब रोटेशन के एंगल को नापते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो माइनस आर इनफाइनाइट बट्टे आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। चौथा उदाहरण है इसके लिए डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो ये N2O5 का डीकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो, एक प्रॉब्लम दी हुई है, डिराइव रेट कांस्टेंट या रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच रेट कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। ये अभिक्रिया दी गई है, ए से बन रहा है 2B और इससे 3C, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो, अब तक हमने मतलब ए और ए माइनस कंसंट्रेशन माप रहे थे, लेकिन अगर उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट गैसीय अवस्था में हो तो कंसंट्रेशन ने नाप के क्या मापते हैं, दाब। तो अब कैसे लिखा जाएगा, K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बट्टे प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। देखो, सपोज रिएक्शन इज अकरिंग इन ए क्लोज्ड पोर्ट एंड इनिशियल प्रेशर इज P0 एंड फाइनल प्रेशर इज PT, देन तो ये अभिक्रिया है, ए से 2B और 3C बन रहे हैं, एट टाइम टी बराबर जीरो, मतलब अभिक्रिया के स्वरूप में इनिशियल प्रेशर P0 ये भी बने नहीं है, तो जीरो जीरो एट टाइम टी, तो इसके कितने मोल बन जाएंगे, 2x और इसके बन जाएंगे 3x, और ये P0 माइनस एक्स मतलब इसका एक्स मोल रिएक्शन करेगा तो इसके 2 बनेंगे और इसके 3 बनेंगे, तो P0 माइनस एक्स 2x और 3x। तो PT मतलब टाइम टी पे प्रेशर कितना हुआ, तो जितने अणु हैं सबको जोड़ दो, तो P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x, तो ये जुड़ के हो गए P0 प्लस 4x। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो PT माइनस P0 अपॉन 4, P0 माइनस एक्स बराबर
पी जीरो माइनस ये पी टी माइनस पी अपॉन फोर, तो इसकी वैल्यू आ गई 5P0 माइनस पी टी अपॉन फोर। ये क्या हो गया पी जी, क्या हो गया है प्रेशर ऑफ ए एट ए टाइम टी। तो सो दैट इंटीग्रेटेड रेक्यूएशन कैन बी रिटर्न एज के वन बराबर 2.3 अपॉन टी लॉग पी जीरो तो है ही, और नीचे पी टी का मान लिखेंगे तो क्या आएगा 5P0 माइनस पी टी, और ये नीचे 4 आ गया ऊपर चल जाएगा। ये क्या है रेट इक्वेशन। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो जैसे ए प्लस ए, या फिर दो रिएक्टेंट हो और उनकी कंसंट्रेशन सेम हो, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और दोनों की कंसंट्रेशन है ए मोल पर लीटर। दूसरी प्रकार के क्या होते हैं टू डिफरेंट रिएक्टेंट हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और दोनों की कंसंट्रेशन एक की ए मोल पर लीटर है और दूसरी की बी मोल पर लीटर। तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर। अब हम देखते हैं पहले प्रकार की जिसमें एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है जैसे ए प्लस ए, कंसिडर रिएक्शन एज टू ए से एक प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर ये मान लो ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है और कंसंट्रेशन दोनों की क्या है ए मोल पर लीटर। एट टी बराबर जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए मोल पर लीटर, एंड आफ्टर टी प्रोडक्ट के एक्स मोल बन गए तो ए माइनस एक्स। तो देखो रेट ऑफ रेट कैसे लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टू, चूंकि अभिक्रिया क्या है सेकेंड ऑर्डर तो ए माइनस एक्स की पावर दो। ये क्या है डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। अब डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के टू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन देखो डी एक्स एक्स एन का होता है एक्स एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, तो वन अपॉन ए एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू के टू टी प्लस सी। सी समाकलन कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वेन टी बराबर जीरो देन एक्स इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन टू सी बराबर वन अपॉन ए, तो सी की जगह वन अपॉन ए लिख दो तो वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टू टी प्लस वन अपॉन ए, तो के टू की वैल्यू आ गई वन अपॉन टी एक्स ओवर ए ए माइनस एक्स। ये क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से के टू का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ये y हो गया वन अपॉन ए माइनस एक्स, ये t हो गया x, तो ये के टू हो गया इसका स्लोप, और वन अपॉन ए ये क्या हो गया इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन से हमें निकाल सकते हैं x ओवर a a माइनस एक्स और k टू t t, और ये हो गया इसका स्लोप। अब देखो दूसरे प्रकार की, जब when two different reactant having different concentration, तो कंसिडर ए रिएक्शन एज ए प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट, टी बराबर जीरो पे इसकी कंसंट्रेशन ए है इसकी कंसंट्रेशन बी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है, टी बराबर टी पे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और प्रोडक्ट की टू एक्स, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन कैसे दिया जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब इंटीग्रेटेड निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया ये लो। अब देखो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। उसमें मानते हैं कि ए की कंसंट्रेशन बी से ज्यादा है, ए की कंसंट्रेशन बी से ज्यादा है, तो फ्रॉम इक्वेशन ये देखो वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए एक्स
ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स का होता है 1 अपॉन a माइनस b, 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स। इक्वेशन दो और तीन से, तो इक्वेशन दो और तीन से 1 अपॉन a माइनस b इसका कर दो इंटीग्रेशन dx ओवर v माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx ओवर a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 dt, और फिर 1 अपॉन b माइनस एक्स का होगा ln b माइनस एक्स, चूँकि x माइनस का है तो माइनस साइन, यहाँ पे होगा माइनस ln a माइनस एक्स, माइनस साइन पहले से है तो प्लस, इक्वल्स टू k2 t + c। अब c की वैल्यू यहाँ से वही कैसे निकालेंगे, एट t बराबर 0 x बराबर 0, तो c की वैल्यू यहाँ पे आ गई c बराबर 1 अपॉन a माइनस b ln a अपॉन b। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो k2 की वैल्यू आ जाएगी k2 बराबर 1 अपॉन t a माइनस b ln b a माइनस x बट्टे a b माइनस x। अब देखो यहाँ से भी हम k2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पहले देखो रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी लाइन आएगी, ये है डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन से, ये इससे 1 अपॉन a माइनस b ln b a माइनस x a b माइनस इसकी, और t के सापेक्ष ग्राफ खींचेंगे t के विरुद्ध, तो स्लोप आएगा k2। अब देखो इसके उदाहरण, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है एस्टर हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, नहीं बेसिक मीडियम, ये एस्टर है, ये NaOH है, ये क्या बन गया एसिटिक एसिड और ये अल्कोहल। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन फिर इनका रेट डिपेंड किस पे करता है, तो कुछ अदर फैक्टर जैसे कैटालाइटिक रिएक्शन होती है ना वो, या फिर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की जाती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका रेट इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, एट टी बराबर जीरो ये है ए और ये है जीरो, एट टी बराबर टी इसके एक्स मोल बने तो ये होगा ए माइनस एक्स। अब देखो रेट डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जीरो ए माइनस एक्स की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो हो तो के वो जगह एक, तो रेट बराबर डी एक्स अपॉन डी टी के जीरो। इसको इंटीग्रेटेड करेंगे तो डी एक्स के जीरो डी टी, तो के जीरो टी बराबर एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो के जीरो बराबर होगा एक्स अपॉन टी। ये है क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ खींचेंगे रेट और कंसंट्रेशन में, ग्राफ में चाहिए देखो कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंसंट्रेशन और टाइम में खींचेंगे तो कंसंट्रेशन घट रही है टाइम के साथ साथ। जनरली कैटालिटिक रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसका कारण क्या है, सिंस ए लिमिटेड सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट इज अवेलेबल फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड विच कांट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो दैट डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका उदाहरण है जैसे रेलवे का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना वो खिड़की, तो बाहर चाहे 100 आदमी खड़े हों, चाहे 200 खड़े हों, चाहे 500 खड़े हों, अगर उसको एक टिकट निकालने में 30 सेकंड लग रहे हैं तो वो 30 ही लगेंगे चाहे वो एक आदमी खड़ा हो, मतलब बाहर की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी नहीं। ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके कुछ उदाहरण देखो ये हैं, अमोनिया का बना है बर्बोस प्रोसेस के द्वारा, N2O का डिकम्पोजिशन N2 और 1/2O2 में,